शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में ट्रूनेट मशीन से की जा रही जांच में संशोधन कर दिया गया है। अब जिला चिकित्सालय में उन्हीं मरीजों की ट्रूनेट मशीन से जांच की जाएगी जो अस्पताल में भर्ती हैं। अब ओपीडी से पर्चा बनवाकर कोई भी व्यक्ति ट्रूनेट मशीन से अपना कोरोना की जांच नहीं करा सकता। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने कहा, जीव नीचे ऐसे नहीं कहा उसी को बस रखना। इनसे जो है जो आए इंडोर के मरीज हैं और सारी के पेशेंट हैं, साथ में जो है जिन मरीजों का ऑपरेशन होना होता है उनका जांच के ऑपरेशन के पहले जो है एनएससीसीआई के रिकमेंडेशन पर जांच कराई जाती है। जो लोग ओपीडी में दिखाने आ रहे हैं उन लोगों का भी उनमें जो लोग मरीज जो हैं इस तरीके के हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से संक्रमित हैं और उनमें यह पॉसिबिलिटी मालूम होती है कि यह मरीज कोविड हो सकता है, ऐसे ही मरीजों की कराई जाती है, वरना मरीज को इनडोर से ही कराई जाती है। सर, इस दौरान भर्ती में कितनी जांच कराई जा रही है जी? इन दिनों ट्रूनेट से कितनी जांच हो रही है? ट्रूनेट से हमारे यहाँ जो है 25-26 जांचें रोज जो है होती हैं।